और उकरते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर सुपरटेक ग्रुप के मालिक आर के अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने आर के अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। पीएमएलए के तहत आर के अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और ईडी ने बड़ा फैसला लेते हुए, बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली स्थित ऑफिस से अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आर के अरोड़ा है बिल्डरों के संगठन नेरेडेको के चेयरमैन। आपको बता दें, धोखाधड़ी का मामला उन पर दर्ज किया गया है, जिसके चलते ईडी ने एक्शन लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और उस पर अपडेट देने के लिए राजीव तिवारी जुड़ गए हमारे साथ में। राजीव, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ईडी ने आर के अरोड़ा को कल मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। लगातार 3 दिन से ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी और उसी मामले में पूछताछ के बाद कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि आर के अरोड़ा पे धोखाधड़ी का आरोप है और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कई राज्यों में उनके ऊपर इस तरह के एफआईआर भी दर्ज कराए गए हैं कि उन्होंने पैसा लेकर के फ्लैट नहीं दिया। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं और तमाम उनके ऊपर आरोप है कि पैसा का किस तरह से उन्होंने हेरा फेरी किया है। इसी मामले में ईडी उन्हें समन भेज करके और उन्हें लगातार उनसे 3 दिन से पूछताछ कर रही थी और कई ऐसे प्रश्न थे जिसके वो सही तरीके से उत्तर नहीं दे रहे थे। ईडी को लग रहा था कि वो कोऑपरेट नहीं करें पूरे मामले में, तो ऐसे में तमाम चीजों को और ईडी जानना चाहती है, तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और ईडी अभी भी तमाम चीजों को पूछ रही है। राजीव, के साथ और कोई नाम भी जुड़े हुए हैं या सिर्फ आर के अरोड़ा ही हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य आरोपी हैं या जिन्हें डिटेन किया गया है? क्या और कोई बड़े नाम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, आर के अरोड़ा के साथ जो है कहें को कौन कौन से लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, या तो आर के अरोड़ा को इसके प्रश्न का उत्तर देना होगा। फिलहाल ईडी यही जानना चाहती है और इसी को लेकर के ईडी लगातार 3 दिन से पूछताछ कर रही थी। ईडी ने समन भेजा था, उसके बाद ईडी ने आर के अरोड़ा को बुलाया। लगातार 3 दिन जब उनसे पूछताछ की गई और संतोषजनक उत्तर उन्होंने नहीं दिया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। माना जा रहा है कि इस पैसे की हेरा फेरी में और कई नाम सामने आ सकते हैं। जी राजीव, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने बताया कि सुपरटेक ग्रुप के आर के अरोड़ा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने एक्शन लिया है। फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और उसमें किस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसकी जानकारी के लिए आर के अरोड़ा को अरेस्ट किया गया है।